अब अभी तक हमारे डी आई डाइट जो पिछले चौदह साल से आप लोग फॉलो कर रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स के अलावा तो उनको एक ही स्टैंडर्ड डी आई डाइट पता है जबकि डी आई डाइट टोटल सात तरह के हैं सर देर आर सेवन टाइप्स ऑफ डी आई डाइट पहला स्टैंडर्ड तो पता ही है जो लोग लाइव सुन रहे हैं उनको नहीं पता तो बारह बजे तक फल खाना है आपके बॉडी वेट के अनुसार लंच और डिनर में पहले आपको सलाद खाना है बॉडी वेट के अनुसार दैट इज़ द फॉमूला और डेयरी प्रोडक्ट एनिमल फूड पैक फूड नहीं लेना होता है अब धूप में थोड़ी बहुत देर बैठना होता है दीज आर थिंग्स जो कि डी आई डाइट आप करते आए हैं इसी से फायदा हो रहा है और तभी जाके हम लोग सब जुड़े हैं भी एक दूसरे के साथ लेकिन हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आएंगे तो टोटल सेवन काइंड ऑफ डी आई तो डाइट है अलग अलग बीमारी के लिए हम अलग अलग तरह से डी डाइट को तो मोल्ड करते हैं उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हालांकि आप में से कई लोग ट्रेंड है इस चीज़ में सी के स्टूडेंट्स लेकिन एक बार और इसको ठीक से समझा देता हूँ फिजिकली हम सामने सामने आए तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कैंसर के लिए क्या करना है आपको यहाँ फोकस करना हार्ट डिजीज के लिए क्या करना है ये इसको यहीं रख दो हाँ इसको ना यहाँ की भी ठीक है तो अलग अलग बीमारी के लिए किस तरह से मैं कैसे करता हूं मेरे पास जब पेशेंट आता है किसी भी तरह का पेशेंट आता है तो मैं कैसे चुनाव करता हूं कौन सा डीआईपी राइट देना है कौन सा नहीं देना है तो एक बार वापस करना इस पर वापिस इस पर कर दो तो सेवन टाइप क्या है पहले तो उसको एक बार देख लेते हैं पहला टाइप तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट हो गया सेकेंड टाइप इज़ सर्केट इन डी आई पी डाइट सर्केट डी आई पी डाइट क्या होता है डी आई पी डाइट माइनस प्लेट टू इन डिनर यानी कि डिनर का जो प्लेट टू है उसको गायब कर दिया कुक फूड गायब कर दिया तो ये सर्केट इन डी आई पी डाइट कुक फूड क्यों गायब किया इसका नाम सर्केटिन क्यों है बड़ा सिंपल है कि शाम वाला जो मील है दैट शुड बी द लाइटेस्ट वन तो लाइटेस्ट वन अकॉर्डिंग टू द सर्टिन क्योंकि तब अपना पेनक्रियाज दे आर ऑलमोस्ट टायर्ड तो लाइटेस्ट मील अगर शाम वाला रहता है तो आप सर्केट बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाना खा रहे हैं और दूसरा है जीरो ग्रेन डीआईपी आई राइट ज़ीरो ग्रेन डीआईपी आई राइट में अन्न बंद हो गया अन्न की जगह रोटी अगर खाना है तो जीरो ग्रेन की जीरो ग्रेन आटा बनाना सिखाते हैं अपने हॉस्पिटल में आप में से कुछ लोगों ने सीखा होगा जिनको नहीं पता तो हम व्हाट्सएप से भेज देंगे यानी कि उनका अन्न बंद कर दो खासतौर पर जो ऑटोमियन के पेशेंट्स हैं उनका अन्न बंद करना ज़रूरी है लेकिन अन्न बंद कर देंगे तो उनकी रोटी बंद हो जाएगी रोटी बंद हो जाएगी तो वेट कम हो जाएगा वेट कम हो जाएगा फिर वो चिल्लाएगा मेरा वेट कम हो गया उससे बचने के लिए रोटी हम दे रहे हैं लेकिन अनाज नहीं दे रहे हैं ज़ीरो ग्रेन उसमें बादाम हो सकता है दालें हो सकती है कोकोनट पाउडर हो सकता है चिया सीड हो सकता है इन सबको जब मिक्स करते हैं पाउडर बना देते हैं फिर उसकी रोटी बना देते हैं वो वीडियो आपको भेज देंगे वैसे तो सब आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने पढ़ाई होगा अपने ट्रेनिंग में लेकिन जिन जिनको याद नहीं आ रहा या जिनके सिलेबस में नहीं है वो भेज देंगे चौथे तरह का डी आई डाइट है नाइट्रिक ऑक्साइड डी आई डाइट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का इंपॉर्टेंस अभी हमने बात कर लिया कौन सा फूड है जो नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बनाता है वो है लीव्स ग्रीन लीव्स हरे पत्ते दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाते हैं तो दुनिया का सबसे पावरफुल मेडिसिन एज ए फूड अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है पत्ते आप देखेंगे सारे के सारे एनिमल कुछ और खाएं ना खाएं जो प्लांट ईटर हैं वो पत्ते खाते रहते हैं दिन भर और इंसान एक ऐसा जानवर है जो पत्ते ही नहीं खाता है है ना आप दूर से देखेंगे दुनिया को तो पूरा जो ढका हुआ है वो पत्तों से ढका हुआ है इवन शेर भी जब बीमार पड़ता है तो वो पत्ते चबाते हुए पाया जाता है इवन आपके घर में घरेलू कुत्ते या बिल्ली होंगे तो वो अगर जब वो बीमार पड़ते होंगे तो आप गौर से देखेंगे उनका बिहेवियर कि वो पत्ते खा रहे हैं घास खा रहे हैं उसको चबा रहे हैं राइट तो जो सबसे ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है दैट इज़ द ग्रीन लीवस कोई भी पत्ते हो पालक के पत्ते तुलसी के पत्ते पुदीना के पत्ते पान के पत्ते वॉट एवर लीव्ज यू थिंक इज़ गुड फॉर मतलब यू कैन एटलीस्ट यू वो लेना तो हम क्या करते हैं जो uh, uh, नाइट्रो ऑक्साइड डाइट में मान लो किसी की इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप वन चिल्ड्रन है तो उनको हम और हम उनका इंसुलिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं फिर हम डीआईपी डाइट प्लस ग्रीन लीव्स 30 ग्राम्स 30 ग्राम्स मतलब जितना वेट है उसका बॉडी वेट उतने ग्राम हो गया राइट फॉर द होल डे हो सकता है वो जैसे मेरा बॉडी वेट सेवेंटी के जी ग्राम चलो आधा मैंने लंच में खा लिया कुछ डिनर में खा लिया राइट right? या कुछ उसमें से ब्रेकफास्ट में खा लिया इस तरह से डिवाइड कर लिया यानी कि बिफोर एवरी मील आई एम हैविंग ग्रीन लीव्स टू ट्रिगर माई नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी उससे मेरी ब्लड शुगर की दवाई की रिक्वायरमेंट घटेगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने के कई सारे समल्टेनियस इंपैक्ट है मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पांचवा है सॉफ्ट डीआईपी डाइट सॉफ्ट डीआईपी डाइट में यह होता है कि जो पेशेंट्स जो पेशेंट्स में माउथ कैंसर है ईसोफिकस कैंसर है या जो चबा नहीं सकते हैं या यहाँ फोड़े हैं यहाँ पे अल्सर है यहाँ पे कैंसर है कोई भी नाम दे दो इसका तो एज ए रिजल्ट या दांत है ही नहीं ऐसे पेशेंट भी तो वो चबा नहीं सकते जब चबा नहीं सकते तो उनको हम बोलते हैं कि सॉफ्ट डी आई पी रेड सॉफ्ट डी आई पी रेड इज़ वेरी सिंपल फ्रूट को चबा सॉलिड की जगह उसकी स्मूदी बना लो तो वो सॉफ्ट हो गया वेजिटेबल्स को प्लेट uh, वन में उसकी भी स्मूदी बना लो तो वो सॉफ्ट हो गया राइट right? और इसमें माइनस प्लेट टू कुक फूड को माइनस कर देते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर इसोफेगस में मुंह में कोई कैंसर है तो जब तक वो कुक फूड थोड़ा भी लेगा तब तक ठीक नहीं हो सकता अगर मुंह से लेके एन तक अगर कहीं अल्सर है कहीं कैंसर है जब तक वो कुक फूड का पोर्शन जाएगा उसका चाहे थोड़ा सा ही जाए वो ठीक नहीं हो सकता तो उसको स्ट्रिक्टली हमें बोलना पड़ता है कि भाई आपको प्लेट टू छोड़ना ही पड़ेगा कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाए ठीक होने का मतलब जब तो आपके सारे सिम्टम ना चले जाए सॉफ्ट डी आई पी राइट एक होता है स्टीम डी आई पी डाइट पाँच परसेंट डी आई पी डाइट वाले स्टूडेंट्स डी आई पी डाइट यूजर फाइव परसेंट बोलते हैं कि हमें ब्लोटिंग हो गई एसिडिटी बढ़ गया गैस बढ़ गया तो आप समझ जाओ कि रॉ वेजिटेबल उनको सूट नहीं कर रहा तो हम बोलते हैं इसको स्टीम कर लो रॉ को जब भी डी आई पी डाइट लेने के बाद कोई बोले कि भाई मेरा तो गैस बन गया ब्लोटिंग हो गई तो समझ लेना कि वो उसकी जो तासीर है उसके लिए सूट करेगा स्टीम डी आई पी डाइट मतलब प्लेट वन में को स्टीम कर देना है चाहे वो खीरा हो टमाटर हो प्याज हो उठा के स्टीमर में डालना है पाँच मिनट में निकाल लेना है तो वो थोड़ा भाप लग गया अब जब वो खाएगा तो वो जो सिम्टम्स हैं वो नहीं रहेंगे तो ये इसका चुनाव आप पहले नहीं कर सकते जब वो कंप्लेन करेगा तभी उसको सजेस्ट कर सकते हैं ये हो गया सिक्स वाला सेवेंथ है रॉ डी डाइट रॉ डी डाइट में प्लेट टू को गायब कर दिया तो बचा क्या फ्रूट ब्रेकफास्ट बचा लंच एंड डिनर में लंच और डिनर बचा जो सैलड बचा ये एक कब दे सकते हैं इसको जरा हम यहाँ पे अगर देखें अब कैमरा पे यहाँ आना अब मान लो ये जो आपको अभी ये किताब की लॉन्चिंग भी होनी आज इसके साथ एक गेम आएगा वो गेम मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ और वो सीएम सी के स्टूडेंट्स को मिलेगी भी वो किताब तो इसमें मान लो इन्फेक्शस डिजीज का इसको और और क्लोज करो जितना क्लोज कर सकते हैं सिर्फ इसको दिखाओ बोर्ड है ना तो इन्फेक्शस डिजीज का पेशेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इफेक्शन डिजीज का पेशेंट आया मान लो वो patient, 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 right? yeah, yeah, वो का पेशेंट है लेट से द पेशेंट इज ट्यूबिक्लोलोलोसिस पेशेंट मलेरिया पेशेंट डेंगू पेशेंट राइट या या जिनको कोरोना बोलते हैं वो कोरोना पेशेंट कोई भी नाम ले लो इन्फेक्शियस मतलब कि इन्फेक्शन हो गया है कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक हो गया सडनली कुछ हो गया सडनली जो चीज़ होती है वो इन्फेक्शन डिजीज की कैटेगरी में ला सकते हैं क्रॉनिक मतलब कि ओवर पीरियड ऑफ लॉन्ग मंथ तब हो रहा है राइट right? तो so, इस केस में मान लेते हैं ट्यूबिक्लोसिस तो so, ऐसे पेशेंट जिनको इन्फेक्शस डिजीज हो गया किसी भी तरह का सडनली हो गया सडनली राइट right? तो वो इन्फेक्शन की वजह से ही होगा ऐसा मान सकते हैं तो ऐसे पेशेंट को उठा के आप देख रहे हैं यहाँ पे सात तरह के डाइट हैं राइट स्टार्टिंग विद ये सर, ये बीच में डीआईपी डाइट सर्केडियन डाइट नंबर टू जीरो ग्रेन डाइट नाइट्रो डाइट सॉफ्ट डाइट सॉफ्ट डीआईपी आई डाइट स्टीम डीआईपी डाइट एंड रॉ डीआईपी डाइट सात तरह के डीआईपी डाइट जो मैंने समझाए बीच में स्टैंडर्ड वाला है बाकी छः है ये मैंने अभी ऑलरेडी समझाया तो मैं ये पेशेंट मेरे पास आया ये पेशेंट मेरे पास आया इन्फेक्शस डिजीज़ का उसकी सारी बातें सुन ली और उसके मन को रखने के लिए उसके रिपोर्ट भी मैंने देख ही लिया जिसका कोई लेना देना है नहीं इस बीमारी से सिर्फ सिम्टम को मैंने देखा और मैं उसको उस पेशेंट को उठा के रॉ डी आई पी डाइट ये रहा लिखा हुआ इसके ऊपर रख दूंगा यानी कि उस पेशेंट को बोलूंगा कि तीन से पाँच दिन आपको डी आई पी डाइट माइनस प्लेट टू लेना है जैसे ही आप तीन से पाँच दिन डी आई पी डाइट माइनस प्लेट टू करोगे तो वो इन्फेक्श डिजीज कोई मर्जी हो तो वो उतने में ठीक हो जाएगा लेकिन अगर कोई ट्यूबिक्लोसिस का ऐसा पेशेंट आ गया जो ऑलरेडी दवाइयों पे और दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से वो और बुरी तरह बीमार है तो वो ट्यूबिक्लोसिस का पेशेंट नहीं हुआ वो उस दवाई का पेशेंट हुआ फिर राइट तो उसको आप इन्फेक्श डिजीज की कैटेगरी नहीं मानेंगे वो दवाई के साइड इफेक्ट का पेशेंट हो गया तो वो एक अलग कहानी है राइट लेकिन अगर कोई ट्रूली इन्फेक्श डिजीज का पेशेंट है तो उसको यहाँ रख देंगे यहां पे उसको रख दिया अब मान लो हम लेते हैं ऑटो इम्यून ये ऑटो इम्यून का पेशेंट मेरे पास आया राइट ये मेरे हाथ में है इस तरह के आपको वहां मिलेंगे जो गेम है बुक के साथ ये ऑटो इम्यून डिजीज का पेशेंट आया पहली बात तो ऑटो इम्यून डिजीज हम पहचानेंगे कैसे नॉर्मली जो डायबिटीज़ टाइप जो है जो छोटे बच्चे इंसुलिन वाले हैं वो ऑटो इम्यून कैटेगरी में आते हैं या फिर ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनके मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जो पेशेंट हैं जिनको जिनकी बोन्स धीरे धीरे खत्म होने लगती है उस दिन में उनके चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाती है फिर ग्लास उठाने की शक्ति खत्म हो जाती है फिर अपने गर्दन को भी सीधा रखने की शक्ति खत्म हो जाती है तो इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब ये कि उनके खुद के मसल्स को उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ही खुद के मसल को ही खा रही है ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मतलब ऑटो इम्यून मतलब सेल्फ ईटिंग अपना हमारी इम्यून सिस्टम हमें ही अटैक कर रही है तो ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स को हमें रखना है जीरो ग्रेन डीआईपी ये रथ जीरो ग्रेन वाला यहां क्यों रखना है क्योंकि अन्न पॉइजन नहीं है लेकिन अन्न कई लोगों में ऑटोइम्यून ट्रिगर कर देता है तो जब तक अन्न वो छोड़ेगा नहीं तब तक उसकी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ नहीं होगी और जब तक वो स्विच ऑफ नहीं होगी तब तक वो डिटोरेट करता रहेगा हर दिन उसकी हालत खराब होती रहेगी अब मान लो कोई पेशेंट है कैंसर का पेशेंट पहले तो कैंसर का पेशेंट का मतलब वो नहीं कि जो डायग्नोस्टिक बायोप्सी की वजह से आता है कैंसर का पेशेंट जो हम मानते हैं मान लो आपने देखा बहुत बड़ा ट्यूमर है जो बढ़ता ही जा रहा है हीमोग्लोबिन बड़ी ही तेजी से डाउन होता भी जा रहा है बॉडी में कहीं एक जगह बड़ा पेन भी उसकी वजह से अनयूजल तरीके से वेट घट भी रहा है तो ऐसे जब पेशेंट हमारे सामने आते हैं तो चाहे बॉडी में शायद कुछ कैंसर एक्टिविटी हो रहा हो होगा तो उस पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई आप सर्केड इन डी डाइट में उस पेशेंट को उठाया मैंने सर्केड इन डी डाइट में रख दिया अगले इक्कीस दिन तक कि भाई इसको करो और जस्ट मॉनिटरिंग दैम राइट तो ऐसे में वो पेशेंट में अगर बॉडी में पेन भी साथ साथ है कि भाई मेरे उसके बॉडी में पेन भी है तो फिर इसके साथ वही जो मैंने आपको बताया था लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन यानी कि ये जो लाइफ लाइन है ये लाइफ लाइन यहाँ से उठाई और इसी पेशेंट के ऊपर कि भाई आपको ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी करना पड़ेगा तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन इज रूल ऑफ थम ये है कि जो ठीक नहीं हो रहा सभी को दे दो आप सबके घर में बाल्टी है और देते ही देते ही पहले दिन पहले आधे घंटे में ही अगर उसको 10-20% परसेंट फर्क पड़ गया पॉजिटिव तो अब रोज करो अगर बोलता है नहीं कुछ तो फर्क पड़ा नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं तो बोलो कि आप मत करो तो मतलब ये इतना पावरफुल है आपने भी देखा है कि इससे पहले दिन में ही पूरा पूरा फायदा दिख जाता है फॉर मोस्ट ऑफ दीपी पेशेंट्स अब जैसे मान लो ज्वाइंट पेन है किसी को तो ज्वाइंट पेन के लिए भी यही जो ऑटो ये जीरोग्रेन डाइट uh, है वही हम दे सकते हैं नॉर्मली no मैं ऐसे करता हूँ जॉइंट पेन वाला पेशेंट आया पहले तो चुपचाप उसको स्टैंडर्ड डी आई पी देता हूँ इसी से ठीक हो जाना है जो मर्जी पेशेंट आए पहले तो आई स्टार्ट विद दिस ये करके आओ तो उसमें 90 परसेंट पेशेंट छट जाते हैं 10 परसेंट दोबारा लौट के आते हैं कि इससे तो ठीक नहीं हुआ अब उसको फिर मैं कैटेगराइज करता हूँ कि भाई वो सर्क्रेन uh, देना है या जीरो ग्रेन देना है या स्टीम देना है कुछ ना कुछ वो शिकायत लेकर आएगा ना कि मेरा तो ब्लोटिंग हो गया था मुझे तो गैस बन गया था तो मैं समझ गया कि भाई डीआईपी सूट नहीं कर रहा अब उसको मैं स्टीम दूंगा या जब वो आया देखा कि उसके मुंह में दांत ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल यानी कि मैं उसको सॉफ्ट वाला दे दूंगा इस तरह से पहले टू स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डी आई पी बाई प्रोटोकॉल लेकिन अगर उसकी आपने असेसमेंट किया कि मुंह में दांत ही नहीं है या फिर बहुत सारा फोड़ा है अंदर या इन्फ्लेमेशन है चबा ही नहीं सकता तो उस लिहाज से सॉफ्ट डी आई राइट तो स्टार्ट विद अदरवाइज स्टैंडर्ड डीआईपी आई पी प्रोटोकॉल फॉर एग्जांपल मान लो कोई हमारे यहाँ पे क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट आता है राइट तो स्टैंडर्ड डीआईपी पी डाइट में डाल दिया पहले तो इसी से आप ठीक हो सकते हैं राइट तो अब अगर इससे नहीं हुआ एक हफ्ता भी हो गया कोई फ़र्क नहीं दिखा अब उसको उठा के हमने सर्किटिंग डी आई डाइट में डाल दिया क्योंकि सर्क्रीआईपी डाइट टफ टफर देन द स्टैंडर्ड उसमें एक ही बार कुक फूड खाने को मिल रहा है तो चांसेस है कि उसको फॉलो ही नहीं करेगा कुछ दिन बाद तो उसको शुरू शुरू में मैं नहीं देता शुरू शुरू में तो स्टैंडर्ड वाली देते हैं क्योंकि इसमें दो बार कुक फूड खाने को मिल रहा है तो उसकी जो एक क्रेविंग है वो भी आ, आ, उसको भी हम एड्रेस करते जाएंगे अब मान लो ये लंग डिसऑर्डर का पेशेंट आया अस्थमा का पेशेंट आ गया आपके पास ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अस्थमा का पेशेंट आ गया आपके पास वो एक आ, पंप भी लगाता है राइट रोज़ इन्हेलर लेता है और वो आपके पास खड़ा है तो आप उसको कौन सा डाइट देंगे अगर एक तो होता है ना कि भाई जल्दी ठीक करना है और ये भी पता है कि ये पेशेंट जो बोल देंगे वो कर देगा खाने वाने को विल विल पावर स्ट्रांग है उसका तो तो फिर मैं उसको सर्किट इन डी आई राइट दे दूंगा क्योंकि ये इसका विल पावर स्ट्रांग है तो वो उसको कौन सा डाइट देना है ये डिपेंड करता है उसकी साइकोलॉजी क्या है अगर आपको लगता है ये बड़ा फूडी आदमी है करेगा ही नहीं तब तो स्टैंडर्ड दे देना लगता है कि नहीं ये बड़ा स्ट्रांग विल पावर है मान जाएगा तो आपने सर्किट इन डी आई राइट जिसमें एक एक ही बार प्लेट टू मिलता है लंच में ये दे दिया प्लस आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या हमने ट्रेनिंग में लिया डैन प्रोटोकॉल डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोटोकॉल डाइट एंड ये लाइफ है ये आपको पाँच लाइफ मिले हैं उनमें से एक लाइफ तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन है दूसरा लाइफ है डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग वो सिंपल है ये सी एम में तो आपने पढ़ा है जिन्होंने नहीं पढ़ा दूसरे कोर्स के जब आप मुंह बंद करते हैं और मुंह बंद करके आवाज़ निकालते हैं जैसे मैं मुंह बंद कर लूँ अभी आवाज hmm, कुछ भी हो सकता है गुनगुनाना हो सकता है या जब ओम बोल रहे हैं आप ओम अब जो मुंह बंद के बाद जो आवाज आ रही है दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग इससे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन पंद्रह गुना बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू बिना कुछ किए तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की इंपॉर्टेंस तो पता ही है नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पड़ता है आपके रेस्पिरेटरी एरिया में थोड़ी देर पहले मैं नाइट्रो ऑक्साइड की बात कर रहा था इन कॉन्टेक्सट ऑफ हार्ट अब मैं बात कर रहा हूँ नाइट्री ऑक्साइड रेस्पिरेटरी ट्रैक में या आपके आपके लंग में नाइट्री ऑक्साइड बढ़ाना है तो वो उसका तरीका डैन प्रोटोकॉल डाइट एंड नाइट्री ऑक्साइड ये जो बुक लॉन्च होगी उसमें मिलेगा सी के सारे स्टूडेंट को पता ही है और मैंने आपको बता दिया कि रोज़ 20 मिनट तक जो लोग गुनगुनाते हैं मुंह बंद करके आवाज़ अगर निकाल सकते हैं तो नाइट्री ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे अगर आप डाइट डी डाइट के साथ ले लेते हैं तो जो इन्हीलर है वो कुछ दिनों में हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो आते हैं अभी जो पंचकूला में हमारा नया हॉस्पिटल खुला है आते हैं और तीस दो इस वाले कैंप में दो पेशेंट ही थे जो अस्थमा के थे गए दोनों के दोनों वही पंप छोड़ के ही गए तो कभी कभी दो ही दिन लगते हैं कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है लेकिन थैंक यू थैंक यू तो उसके लिए ऐसे पेशेंट्स को नाइट्रो ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़वा देनी है अब नाइट्रो ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के आपके पास दो हथियार हैं एक हथियार तो यह है लोअर लेक हॉट वाटर इवेंशन एक हथियार डाइट से भी बढ़ता है जो नॉर्मल फ्रूड एंड वेजिटेबल है और बढ़ाना है तो पत्ते से लेकिन पत्ते का नुकसान क्या है कि पीपल आर डिस्करेज टू इट हमारे कैंप में आते हैं तो पत्ते जबरदस्ती हम खिला देते हैं क्योंकि कैंप में पैसा दे के आए हैं है ना तो उनको लगता है कि एक एक पैसा एक एक पाई पाई का हिसाब होना चाहिए तो तो खा लेते हैं उस तीन दिन और खा लेते हैं तो असर भी आ जाते हैं ठीक है ना तो जब लंग डिजॉर्डर के पेशेंट हैं उनको अगर वो विल पावर स्ट्रांग है सरकेडन डीआईपी डाइट प्लस लोअर लेक हॉट वाटर इमर्शन प्लस डैन प्रोटोकॉल ये तीनों चीज़ को मैंने उसको जोड़ दिया इन तीनों में उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है जो कि हम हॉस्पिटल सेटअप में करते हैं बिकॉज तब वो हमारे कंट्रोल में है अगर वो चाहे ना चाहे जो हम खाने देंगे वो उसको खाना पड़ेगा जिस टाइम पे देंगे उसको करना पड़ेगा तो वहां पे तो उसको उसका रिजल्ट आ जाता है देयर वी गेट द गुड रिजल्ट राइट लेकिन जो घर पर बैठा हुआ है तो फिर वो करेगा नहीं करेगा दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर थिंग्स अब मान लो कोई मोटा पेशेंट आता है कितना ही मोटा हो मोटा मतलब ज़्यादा खाना खाता ही होगा तो उसको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते फिर कुछ भी नहीं मानेगा तो सिंपली उनको बोलते हैं आप कुछ नहीं करो आप डी डाइट कर लो इसमें तो आपने भी देखा है मैंने भी देखा है एक महीने में दस प्रतिशत लगभग वेट घट ही जाता है जो एक्स्ट्रा फैट है तो अगर यहाँ पे बात नहीं बनती है तब आएगा सर्किट इन डी आई पी डाइट जहाँ पर कुड फूड एक बार छोड़ना होता है लेकिन ओवरसिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है हर बार वो ठीक उसकी वेट ठीक ही हो जाता है हाइपर बोल के कोई आता है उसको भी ये स्टैंडर्ड डी आई पी डाइट हमने डाल दिया स्टैंडर्ड डी डाइट तो मतलब लेकिन ये यहाँ पर आने के बाद जैसे आज का केस था एक वो लेडी है यहाँ पे अभी आके बोल जाता कि भाई मैंने तो दिया लेकिन मेरे हस्बैंड को बाकी लोगों को फ़ायदा को उनको फ़ायदा नहीं हुआ उनको उनका ब्लड प्रेशर 170 सेवेंटी बाई हंड्रेड इसका मतलब वो सिंपल हाइपरटेंशन नहीं होगा उसमें जो किडनी वाला कंट्रीब्यूशन है ब्लड को कंट्रोल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में किडनी वाला अपना काम ठीक से नहीं कर रहा लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है नहीं कहा कर रहा तो करा देंगे कैसे करा देंगे कि डी आई पी डाइट प्लस लोअर लेग हॉट वाट वाटर इमर्शन थर्टी मिनट्स रोज तो कंट्रोल आ ही जाएगा राइट तो पहले तो डी आई पी डाइट से शुरू किया अब अगर रिजल्ट नहीं आए तो ही हमने इसको इंक्लूड किया अब चाहे वो सी के डी का पेशेंट हो ये आ गया हमारे पास मेरे पास आया लीवर पेशेंट लीवर पेशेंट जब भी आते हैं तो अपने पास हर बाकी पेशेंट के साथ कुछ रिपोर्ट भी लाते हैं जिसमें फाइब्रोस्कैन वगैरह सब होता है कि अल्ट्रासाउंड होता है कि देखो मेरी रिपोर्ट तो ये कह रही है इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का शक्ल और उसकी बॉडी क्या कह रही है क्या आपको लगता है उसका पेट में पानी खूब जम गया है क्या आपके बॉडी में उसके चेहरे में लगता है पीलापन है तो वो आपका इंपॉर्टेंट मेजर क्या आपके बॉडी में उसकी सूजन लग रही है तो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस राधन की फाइबरोस्कैन क्या कह रहा है आज मैं फाइब्रोस्कैन कराऊंगा तो मुझे भी बोल देंगे आप तो लिवर सिरोसिस के स्टेज थ्री कैंस के पेशेंट हैं वो उसकी सेटिंग होती इस तरह है वो स्टेज थ्री या स्टेज फोर राइट ऐसी होती है राइट तो तो उन पे कभी भरोसा मत कीजिए पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं हाँ वे बड़ा अच्छा है देख लिया बड़े ध्यान से देख लिया फिर आपको लिवर डिजीज के पेशेंट आते हैं तो उनको फास्ट तरीके से ठीक होने के लिए भी ये सर्किट इन डीआईपी डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो वो उसको दे दिया प्लस लोअर लिंब हॉट वाटर इमर्शन या फिर ये जो लाइफ लाइन है हॉट वाटर इमर्शन जो कि हमारे हॉस्पिटल में पिछले तीन साल से हो रहा है वी आर द फर्स्ट वन पहली बार ग्रैड सिस्टम आपसे तीन साल पहले ये मैंने डेवलप किया था कि जब लोअर हॉट वाटर इमर्शन के पानी में बैठ जाते हैं और ये डाइट जोड़ देते हैं तो इससे किडनी लिवर तेज़ी से ठीक होने लगती है अक्सर ठीक हो जाती है तो इस तरह से अब मान लो कोई हार्ट का पेशेंट आता है हार्ट का पेशेंट का मतलब तो यही है ना कि वो जब चलता है तो एंजाइना उसको थकावट हो रही है सांस ब्रेसनेस हो रही है यही है मतलब है या ज़्यादा बी पी ज़्यादा है यही बोलेगा वो और क्या बोलेगा कि जब भी मैं चढ़ता हूँ सीढ़ियों पे तो एक बार में पूरी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाता हूँ हाँफ जाते हैं रुकना पड़ता है पेन होता है शूटिंग पेन होता है ये सब बोलेगा तो कुछ भी बोले वॉट आई डू आई ऑलवेज स्टार्ट विथ द फर्स्ट स्टेप कि भाई ये पहले तो यही करो क्योंकि ये करेगा तो या तो ठीक हो जाएगा या तो ठीक नहीं होगा अगर तो ठीक नहीं होगा अब मैं बोलूंगा कि हार्ट डिजीज के उस एंजाइनर को ठीक करने के लिए भाई साथ में लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन ये बाल्टी वाला आइडिया इसको कर लो ठीक है ना आधे घंटे के लिए अब दोनों कंबाइन कर दिया तो रिजल्ट आपके जो पहले नहीं आ रहे थे वो अब आ ही जाएंगे ये वी कीप ऑन डूइंग इन आवर हॉस्पिटल बट इंपॉर्टेंट कि इसको करने के लिए हिम्स में आने की ज़रूरत नहीं है तो कोई भी कहीं कर सकता है और आप इसीलिए स्टूडेंट हैं कि जहाँ पे जो है जिस परिस्थिति में उसको वहीं ठीक कर दो राइट और उसके घर पे ही ठीक कर दो तो उसको घर पे सटीक साइंटिफिक तरीके से ठीक करने के लिए दीज आर द सेवन टाइप ऑफ डी डाइट एंड देर आर फाइव लाइफ लाइन राइट उसमें से एक लाइफलाइन है हेड डाउन टिल्ट जिसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारी बार डिस्कस किया इसलिए इसको मैं कट शॉर्ट करूंगा एक कॉन्ट्रास्ट पोल्ट्री इमोशन समय में पेस मेकर देखिए पेस मेकर करता क्या है पहले तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे ठीक है ना तो लेकिन पेस मेकर आपने डाल ही दिया अंदर बॉडी में जैसे तो क्या है कि यू आर नाउ इन कंट्रोल द डॉक्टर्स उसकी बैटरी भी बदलनी पड़ेगी आप तो अब उसके ट्रैप में फंस गए अब पुलिस ने आपको हथकड़ी पहनाई दिया तो चाबी तो उसकी जेब में आ गई ना अब जहाँ जहाँ वो जाएगा आपको जाना ही पड़ेगा है ना तो यानी कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया वो अदरवाइज जब पेस मेकर तय पड़ता है कि जब किसी का हार्ट बीट तीस से कम हो जाए है ना तो पल्स रेट उसका कम हो गया तीस से तो यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक से नहीं है तो अब पेस मेकर उसकी वो बैटरी वो सपोर्ट कर रही है ऐसे में जैसे मेरे पास अगर वो पेशेंट आ जाए उसको मैं लिटा दूंगा एच डी टी हेड डाउन टिल्ट राइट एक ऐसा बेड जिसमें पैर ऊपर फिर नीचे जब भी आप लेटेंगे आप लेट के देखिएगा आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा उसी वक्त लेकिन आपको पल्स रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं बिकॉज आपका ठीक है उसका बढ़ाने की ज़रूरत है जो हेड डाउन टिल्ट में लेट आ दो घंटे के लिए बढ़ जाएगा फिर दोबारा नॉर्मल आ जाएगा नॉर्मल मतलब हेड डाउन टिल्ट छोड़ देगा फिर अगर दोबारा घट जाता है तो दोबारा बिठा दो दोबारा लिटा दो हेड डाउन टिल्ट में हेड डाउन टिल्ट प्लस डी आई पी टाइट में बोलूंगा रोज़ दो घंटे करें तो उससे पल्स रेट बढ़ गया तो जो पेस में करे वो पल्स रेट को ही तो बढ़ा रहा है ना आर्टिफिशियली बैटरी के माध्यम से यहाँ पल्स रेट आप नेचुरली ग्रेविटी को यूज़ करके बढ़ा रहे हैं तो उसको आप करेंगे पेस मेकर तो एक बार लग लगते तो जीवन भर चलेगा वो तो हर कुछ कुछ साल बाद आपको बैटरी बदलनी पड़ेगी या पेस मेकर इट को बदलना पड़ेगा हर कुछ कुछ महीने बाद चेकअप करने जाना पड़ेगा वो जो भी बोल रहा है वो करना पड़ेगा हेड डाउन टिल्ट तो भाई घर पर आपने बेड लिया तीन तीन ईटे लगाए हो गया हेड डाउन टिल्ट और डाइट तो आपको पता ही है इस तरह से पेस से बच सकते हैं पेस वाली इमरजेंसी आते ही इंस्टेड ऑफ़ पुटिंग द पेस मेकर यू कैन डू दिस राइट इस तरह से ये हो सकता है तो कुल मिला के आप देखेंगे कि नेचर में हमारे घर के कन्वीनस में सूचित ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे इमरजेंसी मैनेजमेंट हमने सी आई के एम के स्टूडेंट ने देखा अभी इमरजेंसी मैनेजमेंट हो लाइफ स्टाइल डिजीज हो या फिर इन्फेक्शन डिजीज हो इन सब में ये बेहतर काम करता है लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बड़े सिंपल दिखते हैं इसमें कोई चमक दमक नहीं दिखता बड़ा हॉस्पिटल हो राइट right, बड़े बड़े ऐड लगे हों डीआई पी राइट अखबार में आ रहा फ्रंट पेज में वो नहीं दिखता है ना ये इतना सिंपल है एक इंसान बोलेगा कि आप केले खाओ ठीक हो जाए तो क्या ये ठीक करेगा मुझे ये ऐसी बातें बोलता है है ना तो आपका जो पैमाना होता है कि, कि किस पद्धति को मैं चूज करूं वो पैमाना क्या है कि वो पैमाना क्या है इसको समझने के लिए जरा देखते हैं दुआ एक बार फिर से दीवार पे चलते हैं मिस्टर आपको तो ये सौदा एक बात ये बिल्डिंग आप महंगी दे अगर आप कहते तो शायद मैं एक दो लाख रुपए कम कर देता। बुरा मत मानिए आपको धंधा करना पानी है धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अगर अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के दस लाख रुपए भी और मांगे होते, तो मैं दे देता अच्छा ऐसी क्या बात है से? आज से बीस बरस पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी मेरी माँ ने यहाँ ईटी उठाई थी आज मैं ये बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ तो दोनों का एक ही बिल्ड एक ही चीज को आंकने का पैमाना अलग अलग था एक इंसान ये देख रहा था कितनी ईटी ईटे है, हैं कितनी ऊंचाई है वो बिल्डिंग कहाँ पे बनी है उसके हिसाब से वो उसका दाम तय कर रहा था लेकिन दूसरा उसका पैमाना उसके दाम के लिए वो दूसरा पैमाना था कि माँ को गिफ्ट कर रहा है सिमिलरली जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसका पैमाना ये हो सकता है कि कितना बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है कितनी ज़्यादा दवाई दे सकता है यह कितने ज़्यादा पैसे मेरे खर्च करवा सकता है तो वो एक पैमाना हो सकता है दूसरे किसी का पैमाना इनकी तरह ये हो सकता है कि, कि मेरा जो प्राइम उद्देश्य है क्या इससे मैं ठीक हो जाऊँगा ऐसे एविडेंस है क्या इससे पहले कोई ठीक हुआ है वो एविडेंस है राइट तो बेसिकली ये है कि पैमाना क्या होना चाहिए बड़ा मुख्य है तो पैमाना जो होगा उसी हिसाब से आपका चुनाव होगा तो अगर आपकी प्रायोरिटी और आपका जो गोल सिर्फ ये है कि मुझे ठीक ही होना है तो फिर दिस इज द ओनली वे दिस इज नॉट द ऑल्टरनेट वे दिस इज द ओनली वे राइट यही एक तरीका बताते अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं हमसे व्हाट्सएप से, से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए अपना नाम